y equal to a sine omega को हमें क्या रखनी पड़े 2 pi v upon lambda v माने क्यों नीचे जो sound को velocity हो है ना 2 pi v upon lambda v छोड़ दीजिए है ना minus 5 माने क्यों 5 माने क्यों नीचे आपको 2 pi lambda x अब यहाँ common क्या हो जाए y equal to a sine common आया हमने क्या common आया नीचे 2 pi lambda चाहे common आया हो ना बहुत बहुत ये नीचे vt minus x जो कि ये भी क्वेश्चन भाई है ना अब 2 pi pi lambda नीचे हमने बड़ा कि constant हो गया constant हो constant क्या constant हो नीचे क्या constant हो क्या हमने क्या बोले हो कि उनसे नीचे 2 pi lambda होना 2 pi pi lambda को ठहरा हमने क्या बोली रहा क्या बोली रहा हमने सोचा अब फिर क्या रखे ले रहा है ना और कोई क्वेश्चन ना then y equal to a sin omega t minus 5 y equal to a sin omega को हमें क्या रखे नीचे omega नहीं रखे omega t minus 5 को हम 5 बनाने के ऊपर आना 2 pi by lambda x चल जब हम आएंगे क्या रखे होने से क्या रखे होने से और इसके बाद k x बन है ना ये और कोई क्वेश्चन बन अनि बच्चे यो क्वेशन आइ पनि एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन रहेछ यो क्वेशन आइ पनि प्रोग्रेसिभ इक्वेसन रहेछ हैन यो तीनवटै चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन हो हामी जुन इक्वेसन लाग्दा पनि हुन्छ सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनलाई हेरेका छौं अर्को भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टु इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन सँग मिलाउँला धन्यवाद